अल्लाम रि वर्का इतिहादी में आप सभी का ख़ैर मकदम है बहुत ही ख़ास मेहमान वैसे तो यह चेहरा किसी के तारफ़ का मोहताज नहीं है फ़िलहाल अगर चर्चा चल रही है तो वो शख्स है रवि कुखितकर श्री राम सेना के ज़िला सदर हैं और हिंदुत्वा बरदार हैं वो हिंदुत्वा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं अब तक जो हमने देखा है वो बड़े बेबाकी के साथ किसी भी मुकदमे या किसी और से न डरते हुए अपने कामों में अंजाम दे रहे हैं सर सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तबाल सर जिस तरह से आप पर हमला किया गया और गोली चलाई गई गोली जो है लगकर छू कर छूकर आपको जो है ड्राइवर को भी लगी फिर आपको भी लगी तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है क्या सिर्फ जाति रंजिश है या पिछ कुछ और है क्योंकि अभी हाल ही में आपके मुखिया सराम सेना के प्रमोद मुतालिक ने बताया कि इसके पीछे कुछ साजिश हैं तो आप क्या कहेंगे हमें इतना कहना है कि बेलगम के कमिश्नर और सब लोगों ने कि आपसी रंजिश है बोल के इस, इसको वाक़ को दबा दिया फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ अगर आपसी रंजिश है तो तीन बरसों से जो मेरा उनका लिए था हुआ था झगड़ा हुआ था उसके पीछे तीन बरस के बीच में कभी भी कुछ भी कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये हमारा जो विराट हिंदू सभा कार्यक्रम था उसी चार दिन से वो जो उनका कुछ चल रहा था कि हमें कुछ किया जाए उसी मंसूबे से आठ तारीख को जो कार्यक्रम था सात तारीख को शाम को उन्होंने इस वाक्य को अंजाम दे दिया इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे और कोई भी है कि ये जो करने लगा रहा है कि किया हुआ अंजाम को हम हैं तुम करो ऐसे बोल सकता है ऐसा हमें लग रहा है नहीं नहीं आप सीधे सीधे पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस ने काम सही नहीं किया जबकि बताया यह जाता है कि आप तो इसको हिंदू मुस्लिम बनाने वाले थे लेकिन 18 घंटे में पुलिस ने पकड़ लिया वरना तो कुछ और ही उसको शक्ल दी जाती थी पुलिस की मेहनत पे आप पानी फेर रहे हैं ऐसा भी कहा जाता है आप कहते नहीं है ऐसा कुछ नहीं हम कह सकते पुलिस के कार्रवाई पर हम शक नहीं कर रहे पुलिस ने जो किया वो सही किया है और हम हिंदू मुस्लिम हो जाता ऐसा कुछ नहीं है नहीं। क्योंकि मैं हिंदू लीडर हूँ हिंदू लीडर है तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि मेरे पर जो हमला हुआ उस किस मंसूबे से हुआ मुसलमानों ने किया या हिंदुओं ने किया इसका तो नतीजा निकालना है वो पुलिस का काम था जिस वक्त जो जो हुआ उस वक्त तो हम बोल नहीं सकते थे किसने किया नहीं लेकिन प्रमोद मुतालिक तो ये कह रहे थे की दाय मतलब रास्ता भटकाने की कोशिश की जा रही है पुलिस गुमराह कर रही है तो पुलिस पर इल्जाम कहाँ तक सही है सर पुलिस पर इल्ज़ाम नहीं है लेकिन क्यों है पुलिस गुमराह कर रही है क्यों बोलना पड़ा क्योंकि इसके जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से नहीं गया क्योंकि जब दो बुलेट्स फायर हो गए थे तो एक ही बुलेट इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ले लिया दूसरा बुलेट दस दिन के बाद उसी गाड़ी में मिलता है तो शक तो होने वाला होने वाला ही है पुलिस पर शक होने वाला ही है क्या चल रहा है क्योंकि दस आप दस दिन गाड़ी आपके दरवाजे में है और आप हाँ इसलिए हमें शक हो गया ने आपने ये भी कहा कि एक पाँच साल पहले जो है एक मुस्लिम लड़के ने इसको ख़त्म करना चाहिए ऐसे पोस्ट उन्होंने पो वायरल किया था उस पर भी वो आपने ऐसा लग रहा है कि इसे फिर हिंदू मुस्लिम का एक डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते थे ऐसा एक शक भी जाहिर किया जा रहा है नहीं देखिए चार पाँच बरस पहले फेसबुक पर मेरा फ़ोटो डाल के इसको पहले ख़त्म करना चाहिए ये जो लिखा हुआ था लिख के मेरा फ़ोटो डाला हुआ था

और श्री राम सेना हिंदुस्तान ऐसा दो हुआ है तो ये दो होने की वजह क्या है सर श्री राम सेना या श्री राम सेना हिंदुस्तान या और कोई भी संगठन हो बजरंग दल है आर एस एस है ऐसे हिंदुओं के संगठन बहुत हैं लेकिन मनसूबा एक ही है हिंदुत्व जो अपने राष्ट्र को नहीं मानता जो हिं, अपने धर्म को अपने धर्म के हिसाब से काम करके हमारे राष्ट्र को नहीं मानता या भारत भूमि को नहीं मानता भारत को माता नहीं मानता मातृभूमि नहीं मानता उसके खिलाफ़ हम काम करते हैं जी मैं एक अभी अहम सवाल की तरफ 2009 में पब अटैक किए सर से, राम सेना की जानब से मंगलूर में 2011 में किराए से पैसा लेकर राम सेना फसाद कराती है बोलकर एक आ, स्टिंग ऑपरेशन तहलका की जानब से किया गया था फिर एक है 2012 के वक्त या तकरीबन पाकिस्तान का झंडा जिंदगी में लहरा कर वो मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई तो।, तो इस तरह की वारदातें देखने के बाद लगता है कि आप ही चाहते हैं कि मुल्क में कुछ अमन क़ायम न रहे इस तरह से इल्ज़ाम बारहा लगाया जाता है आप ऐसा कुछ नहीं है कोई भी ऐसा एक गलती क्या, वो हमारा हमारा वो लड़का नहीं है वो संगठन का लड़का नहीं है और पब का वाक़ जो बोला उस पब के वाक्य को हमने संगठन ने समर्थन किया क्योंकि लड़कियां वो किसी भी धर्म की हो उसकी इज्जत करनी इज्जत होनी चाहिए और लड़कियाँ कौन से भी पब में जाके वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चन हो उस लड़की की इज्जत करना हर एक का कर्तव्य है वो लड़की पब में जाके नाचना या नशा करना एक गलत है इसलिए श्री राम सेना उसको पूरी तरह से खंडन करती है हिंदुत्व की तो संविधान सर, ही सर्वधर्म समभाव की बात करता है तो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या वो संविधान के विरोध नहीं है आप देखिए भारत का संविधान सर्वधर्म का संभाव करता है हमारे इसमें सर्वे जनों सुखी नो भवंतु सर्वे संतु निरामया बोला है सर्वे जनों सुखी नो भवंतु इसमें हिंदू आए मुस्लिम आए क्रिश्चियन आए सब आए हम यही सिखाते हैं सब लोग सुख से समाधान से प्यार से मोहब्बत से रहे लेकिन हमारे देश में रह के हमारे देश का जो संविधान को नहीं मानते हमारे देश के लोगों को नहीं मानते और कहीं जो लोग देश विरोधी हैं उनका सुन के अगर देश में कुछ बवाल करना चाहते हैं उसका हम खंडन करते हैं तो आप सर जहाँ पर भी मारने काटने की बात करते हैं बारह मस्जिदों पर हमला करने की बात करते हैं आपके प्रमोद मुतालिक तो खुलेआम हथियार रखने की बात करते हैं ठीक है हर एक को अपने धर्म की आस्था होती है और वो रहनी भी चाहिए लेकिन किसी एक धर्म को गिरा कर बात करना और किसी एक धर्म को उठा कर बात करना ये तो संविधान नहीं बोलता ना सर तो आप कैसे इस बात को बढ़ावा देते हैं हम एक धर्म को गिराकर एक धर्म को उठाकर ऐसा बात नहीं कर करते हम उस मुसलमान का ही विरोध करते हैं उस क्रिश्चियन का ही विरोध करते हैं जो क्रिश्चन धर्मांतर करता है और उसी मुसलमान का हम विरोध करते हैं जो भारत भारत को मानता नहीं भारत के संविधान को मानता नहीं जो टेररिस्ट को समर्थन करता है टेररिज्म को समर्थन करता है और टेरर टेररिस्ट बनना चाहता है उस मुसलमान का हम विरोध करते हैं हम हर मुसलमान का विरोध नहीं करते सर कुछ ऐसे भी तो हमने देखा कि जैसा बारहा पाकिस्तान की बात की जाती है कि ये लोग पाकिस्तान समर्थक है इस तरह से लेकिन कई ऐसे वाक्य हमने देखे हैं कि अभी हाल ही में साड़ों के नाम का शख्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को खुफिया जानकारी पहुंचा रहा था इससे पहले भी हमने माधुरी गुप्ता को देखा इससे पहले भी अगर जाकर देखेंगे तो भाजपा के आई सेल के ध्रुव सक्सेना उनकी टीम जो है पाकिस्तान को तो जब वो लोग करते हैं तो फिर हिंदू धर्म तो बदनाम नहीं होता लेकिन अगर कोई मुसलमान करता है उसका नाम मुसलमान रहता है तो पूरी कम्युनिटी को दायरे में खड़ा करने की कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है ये कहां तक से नहीं हमने उनका भी विरोध किया है हमने जो देशद्रोही है वो हिंदू हो या मुसलमान हो क्रिश्चन है उनका भी विरोध करते हैं हम अब्दुल कलाम को कभी गलत नहीं ठहराते थे। अब्दुल कलाम हमारे लिए आदर्श है ऐसा हम जो देश विरोधी है उनको उतना ही विरोध करते हैं हरे को विरोध करना अपना काम नहीं है तो आप भाजपा के साथ हैं भाजपा के खिलाफ क्योंकि 25 सीटों पर आप इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं रामसेना जो है पूरे कर्नाटक में 25 जगह पर हो सकता है कि बेलगाम भी हो यहाँ से तो आप भाजपा के ने? क्योंकि भाजपा भी तो हिंदुत्व के आलम बरदार है वो भी हिंदुत्व का ठेका लिए बैठी है तो ये कितने लोग हैं सर इतने जो हिंदुत्व की बुनियाद पर सियासत करना चाहते हिंदुत्व के बुनियाद पर सियासत सियासत करना वो राजकीय पक्षों का काम है और राजकीय पक्ष जो कुछ करते हैं उनके तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है हमारा ध्यान नहीं, नहीं बोलता हूँ परिसर हमारा ध्यान जो है अपने संगठन की तरफ रहता है और हमारे संगठन के जो मुखिया है जी प्रमोद जी मुतालिक या धनंजय भाई देसाई इन लोगों का जो निर्णय होता है वो हमारे प्रमुखों के लिए हमारे कार्यकर्ताओं का, के लिए वो मायने रखता है और पक्ष का जो है मायने नहीं रखता है पक्ष हिंदुत्व का काम करे या ना करे वो उनका काम है लेकिन हम हिंदुत्व का काम करते समय अगर कोई पक्ष हमारे साथ खड़ा हुआ है तो हमें उसके साथ खड़ा होना अपना कर्तव्य है तो अभी भाजपा आपके साथ है या नहीं क्योंकि आप पच्चीस सीट उतार रहे हैं तो भाजपा तो आपको कंसिडर भी नहीं कर रहा वो कहता है कि हमारे तो सीट हमारे तो उम्मीदवार खड़े होंगे तो फिर अगर दो लोग खड़े होंगे एक जगह पर हिंदुत्व के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगेंगे तो तकसीम नहीं होगी वोट की हो जाएगी वो उन्हें सोचना है अच्छा उनको सोचना है क्योंकि भाजपा ऐसे को उनको सोचना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अच्छा हाल ही में अभी पठान फिल्म को लेकर एक बवाल शुरू है बेशरम रंग भगवा रंग को कहा जा रहा है तो ये सिर्फ शाहरुख खान होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि आस्था उस वक्त कहाँ गई ये भी तो सवाल आ रहा है कि जब अक्षय कुमार जब भगवा रंग कपड़े पहनकर नाच रहा था उस वक्त तो आस्था नहीं हुई अब क्यों ऐसा सवाल आ रहा है तो हिंदुत्व तो में कई सारे फिल्म को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं तस्वीरें फाड़ रहे हैं बैनर्स भी फाड़ रहे हैं तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन समझ में नहीं आ रहा नहीं जो फिल्म में हमारे हिंदुत्व को उछाल कर बदनाम किया जाता है या हमारे हिंदू लड़कियों को बदनाम किया जाता है हम उसी का विरोध करते हैं वो कौन सी भी फिल्म हो आज फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बदनाम हो रही है कौन सी भी हो नहीं पठान 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 फिल्म में जो सीन्स है अभी मैंने भी नहीं देखा है फिर भी जो सीन्स है वो गलत है ऐसे मैंने पोस्टर में देखा है कहीं सीन्स है वो गलत है वो मुस्लिम हीरो या हिंदू हीरोइन हो ये सब करने का जो लेकिन करने जो डायरेक्टर हैं वो हिंदू है संगीतकार हिंदू है सभी हिंदू बना रहे वो तो सौ करोड़ रुपए अपना किरदार अदा कर रहा है तो बजाय आप वो डा, डायरेक्टर जो लोग फिल्म बना रहे हैं उनको भी तो सोचना चाहिए लेकिन उनको निशाना बनाने के बजाय सिर्फ शाहरुख खान को बोल दिया जाए ये गलत है नहीं शाहरुख खान को नहीं निशाना नहीं पूरी फिल्म को ही निशाना बना रहे हैं हम सिर्फ शाहरुख खान को नहीं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा जो चल रहा है इसको हम विरोध करेंगे ये फिल्म नहीं देखेंगे और जब फिल्म घट जाएगी उनको भी समझ में आना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इससे पहले ओ माय गॉड या तो फिर उसके पहला जो है कई सारी फिल्में हैं अक्षय कुमार की उस वक्त तो नहीं किए ना आप ओ ओ माय गॉड का भी विरोध हुआ है उसमें भी विरोध हुआ है हमारे देवी देवताओं का बदनाम हमारे देवी देवताओं का बदनाम हुआ है हम हिंदू संगठनों ने हमें विरोध किया है सेंसर बोर्ड जो है उसका विरोध में सेंसर बोर्ड जो डिसीजन लेगा उसे तो मानना ही पड़ेगा कुछ हम नहीं कर सकते फिर भी विरोध करना है तो जब बदनामी होती है तब हम विरोध करते हैं नहीं, लेकिन तो सबसे ज्यादा ज्यादा यह पठान को लेकर बहुत हंगामा खड़ा किया जा रहा है इसे अक्षय कुमार को तो तो पूछा नहीं गया था वो तो जब देश का हमारे है भी नहीं कैनेडियन नागरिकत्व लिया हुआ है भारतीय भी नहीं है लेकिन जो भाजपा के करीब होते हैं तो उन्हें तो बख्श दिया जाता है लेकिन जो नहीं होता उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो यह दोगला रवैया हुआ ना सर नहीं ऐसा गलत है यह सोचना गलत है ऐसा रवैया कहीं पे नहीं होता है वो कोई भी हो अगर हिंदू देवी देवताओं का बदनामी नाम बदनाम करेगा या हिंदू लड़कियों का नाम बदनाम करेगा उसका हम विरोध करने वाले ही वो कोई भी हो बात नहीं सर हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है हिंदू राष्ट्र मनुवाद एक तरफ है संविधान एक तरफ है अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो इस मुल्क का संविधान इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करना पड़ेगा इस पर क्या कहेंगे इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होगा हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो भी सब सुखी समाधान ही रहेंगे क्योंकि आज तक हिंदुत्व तो ने यही सिखाया है कि सबको लेके सबका अभी मोदी ने भी देखिए कि सबका साथ सबका विकास बोला है कि फ़क्त सिर्फ हिंदुओं का विकास बोला है क्या नहीं बोला है सबका साथ सबका विकास राष्ट्र का विकास बोला है उसमें सब मुसलमान है क्रिश्चियन है ये मोदी का नारा है इसलिए हमें मोदी के नारे को समर्थन करना चाहिए हर देशवासियों को समर्थन करना चाहिए आपने जैसा कहा कि सबका साथ सबका विकवास तो कहा जाता है लेकिन मॉब लिंचिंग हो तीन तलाक के मामले हो और मस्जिदों पर भगवा झंडा लगाने का हो मस्जिदों पर हमले हो अब तो ये मोदी के दौर में दो के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ गया ना सर अगर देश उस वक्त ही तरक्की कर सकता है जैसा हिंदू मुस्लिम क्योंकि मैं भी तो मराठी सीखा हूँ मराठी स्कूलों में हम पढ़े मराठी हिंदुओं के साथ ही रहे लेकिन उस वक्त और अब के हालात में काय कई सर फर्क देखा जाता है तो यह फर्क कहीं तो भी बनाते भी देखा जा रहा है। तो ये अगर देश के हित में राष्ट्र के हित में जो आवश्यकता है आप बोलते हैं कि मस्जिद पर या मंदिर पर ये जो चल रहा है वो एक कोई करता है लेकिन भुगतना सबको पड़ता है यह गलती जो होती है उसको नाप के वो डिपार्टमेंट को काम करना है उस हिसाब उस से वो काम होता है सर हिंदुत्व में मस्जिदों पर भगवा परचम लगाते यह क्या दुरुस्त है नहीं नहीं मस्जिद पर भगवा जबर से पंचम पर... रहे का कभी किया ही नहीं है और कोई करेगा नहीं कोई ऐसे कोई कहाँ तो वाक्य होते हैं कि मंदिर पर हरा झंडा लगाए और मस्जिद पर जाके भगवा झंडा लगाए क्योंकि ये बवाल निर्माण करने के लिए कहीं जो राष्ट्रद्रोही है झगड़ा पैदा हुआ तो हमें कोई वोट मिल सकता है इस मंसूबे से जो करते हैं जब जब राजकारण नजदीक आता है तब तब ये वाक्य होने चालू होते हैं बहुत बहुत शुक्रिया इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए अल्लाह हाफिज